हेलो दोस्तों, मैं राहुल, आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम आपके लिए हेयर ड्रायर लाए हुए हैं। ये 2000 वाट का हेयर ड्रायर है। इसमें प्रॉब्लम है कि ये ऑन नहीं है और इसमें कोई भी वर्क नहीं कर रहा है। इसमें क्या प्रॉब्लम हुआ, ये कैसे बनेगा, लास्ट का वीडियो ज़रूर देखें। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो स्क्रू लगा रहता है इसको मैंने ओपन कर लिया हूँ। और इसके बाद यहाँ पे हम काफ़ी कोशिश कर रहे हैं कि ये कैसे खुलेगा, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम मैं ओपन कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं एक चूड़ी नुमा बना हुआ है, इसको हम यहाँ पर घुमाए हैं, ये इसमें लॉक बना हुआ है, इसको हम निकाल लेते हैं। इसे निकालने से भी कोई प्रॉब्लम, मतलब कोई ज़रूरत नहीं है, फिर भी हम इसको आपको ओपन करके दिखाते हैं। तो यहाँ पे मेरा भी सिर्फ जाली और इसका पीछे का कवर निकला हुआ था। बाकी यहाँ पे ये देख रहे हैं, यहाँ पे रबर लगा हुआ है दोनों साइड, कोई मतलब नहीं है रबर को खींचने से। और इसका पीछे का कवर हम स्क्रूप ड्राइवर की मदद से इसको थोड़ा सा प्रेस करेंगे, हो सकता है इसमें लॉक बना हो। तो यहाँ पे हम स्क्रूप ड्राइवर की मदद से इसको थोड़ा सा पंचिंग जो है इसको हम ओपन कर रहे हैं। तो ये देख सकते हैं, ये लॉक बना हुआ है, ये आसानी से ओपन हो जा रहा है। इसे आप डायरेक्ट पकड़ कर खींचना नहीं है, नहीं तो ये टूट जाएगा। इसको सावधानीपूर्वक आपको ओपन करना पड़ेगा, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे लॉक बना हुआ है, इस वजह से ये संभाल कर खोलना पड़ेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं, ये पीछे का कवर ओपन हो चुका है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे फैन लगा हुआ है और यहाँ पे तीन स्विच है, दो ऑन ऑफ और एक पुश बटन लगा रहता है। ये पुश वाला बटन है और बीच में जो है हीटिंग का है। तो हम यहाँ पे फिर से इसको सीरीज से चेक करते हैं कि कहीं वायर में ही प्रॉब्लम है कि या मोटर में। तो यहाँ पे हम सीरीज में लगाने के बाद इसको हम शॉर्ट करके देख रहे हैं, यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा है। यहाँ पे वायर लेकर शॉर्ट कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ भी वर्क नहीं कर रहा है। तो इसके बाद हम डायरेक्ट सीरीज का वायर लेकर इसमें हम टच करते हैं, कहीं मेरा वायर ही प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं पावर आने लगा है, इसका मतलब ये जो मेन वायर है उसमें ही कोई प्रॉब्लम है। इस सीरीज से मैं चेक कर रहा हूँ कि ये पंखी इसका डोल रहा है। तो यहाँ पे हम देखें, इसका प्लग ही एक साइड का काट के हम चेक कर रहे हैं कि ये इसका वायर सही है या तो सिर्फ प्लग ख़राब है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा मुड़ता है। प्रॉब्लम वही प्लग से ही था। इसके बाद यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं, तो यहाँ देख सकते हैं ये वर्क कर रहा है। ये देखिए हल्का हल्का घूम रहा है, क्योंकि जिसको हम सीरीज में लगाए हुए हैं। अब ये मेन पावर लगाने पे ये देख सकते हैं काफ़ी अच्छा वर्क कर रहा है। ये पुश बटन से सिर्फ इसका फैन चलेगा। तो आइए हम इसको स्विच से अच्छे से बैठा देते हैं।
ये ब्लैक स्विच है और एक रेड स्विच रहता है। ये आपका हीटर का है, फिर भी हम आपको इसको ओपन करके दिखाते हैं कि ये वायर कहाँ गया हुआ है, क्योंकि सभी वायर नीचे गया हुआ है। तो यहाँ पे देख सकते हैं साइड साइड स्क्रू पे लगा रहता है। इसको हम ओपन कर लेते हैं। मोटर सही है, फिर भी हम आपको ओपन करके दिखाते हैं। ये देख सकते हैं दोनों साइड मैंने इसका स्क्रू ओपन कर लिया हूँ। ये मोटर अब बाहर निकल चुका है। इसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं एक प्लास्टिक लगा हुआ है, इसको हम सिर्फ आपको दिखा रहे हैं क्योंकि ये इसका कॉइल वॉइल सब सही है। तो ब्लैक वाला बटन आप देख ही रहे हैं, ये हीटर का है जिसमें कॉइल लगा हुआ है, और रेड वाला इसका फैन है। तो आइए इसको हम वैसे पैक कर देते हैं। यहाँ पे हम इसको स्क्रू दोनों साइड कर देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो रेड वाला रबड़ दिख रहा है उसको हमें निकालना नहीं है, उससे पे ये कसा हुआ है। तो इसका हम पीछे का कवर भी बंद करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरे जाली निकालने से कोई फायदा नहीं था। तो यहाँ पे लग बना हुआ है, लग इसको हम दबा दिए तो ये आसानी से चिपक गया है। इसके बाद यहाँ पे हैंडल के पास दो स्क्रू लगा हुआ था, इसको हम टाइट कर देते हैं। तो ये दोनों स्क्रू टाइट हो चुका है। फिर इसके बाद यहाँ पे हम पीछे की साइड जो जाली निकाले थे उसको भी हम बैठा देते हैं। प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। आप अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे प्लग इसका ख़राब था, तो यहाँ पे दूसरा हम प्लग भी लगा रहे हैं। आप प्लग जरूर लगाइएगा, इसका वायर जो रहता है छिलने बाद इसके जो पीवीसी है इसको भी अंदर करके टाइट करना होता है, क्योंकि ये लोड लेता है। इस वजह से इसको आप अच्छे से टाइट कर दीजिएगा। सिर्फ वायर नहीं करना है, उसके साथ पीवीसी भी उसमें टाइट कर दें। तो आइए इसको हम चेक करते हैं। इसको हम पावर पे लगा दिए हैं, तो यहाँ पे ये ऑन हो चुका है, इसकी आवाज़ भी आप सुन सकते हैं। इसका फिलामेंट भी अभी हम आपको दिखाएंगे। लास्ट वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।